Hey, this is Ravi. ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि what is a test case और test case how do they help in testing our functionality of the application. तो basically ये एक Swift application है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ज़्यादा कुछ functionality नहीं किया है, but यहाँ पे एक service call है, ठीक है? तो ये कुछ तो underscore manager है, get country codes and things like that. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ तो result set है, जिसमें मेरा data set होता है and basically what I'm going to do is ये जो मेरा result set है वो मैं अपने tables में use कर सकता हूँ या फिर जहाँ कहीं पे भी मेरे को use करना मैं use कर सकता हूँ. तो मैंने इसको ज़्यादा extend नहीं किया है because I want to keep this video strictly short and sweet based on test as well. यहाँ पे whenever you create a project you see that दो चीज़ें create होती है, एक तो test और एक UI test. basically हमको पता नहीं है कि ये test होता क्या है और why do we really need this. so many of the times होता क्या है कि आप जब application use करते हो तो most of the time ये जो data आप populate करते हो अपने UI elements के लिए, तो इसमें कभी कभी कोई duplicates element आ जाते हैं, कभी कभी पता चलता है कि data server से आ ही नहीं रहा है, या फिर there can be n number of reasons. for example अगर हम लोग किसी एक particular data के लिए search करते हैं, जैसे कि country code है और मैं बोलता हूँ कि मुझे India का country code के हिसाब से search करना है, तो मैं parameter डाल के IN, you know, like I'll just supply whatever country code I want to search with, and then mostly sometimes we find that वो country code है ही नहीं. and most of the times developers क्या करते हैं कि हाँ बस मेरा ये काम हो गया, यहाँ पे मेरा जो भी टेबल एलिमेंट है मैं उसको डेटा पास करूँगा जो कि होगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर रिजल्ट सेट. एंड बेसिकली जब वो ऐसा करते हैं तब होता क्या है, तब एक एरर आता है. आई मीन बेसिकली अगर वो डेटा है ही नहीं तो यू इट माइट हैपन योर एप्लीकेशन माइट क्रैश और मेनी बैड थिंग्स कुड हैपन. सो दैट बींग सेड सॉरी सो दैट बींग सेड I'll just open this guy. और यहाँ पे जब आप देखते होते हैं बहुत सा अजीब सा कोड दिखता है आपको, XC test cases and यहाँ पे मैंने कुछ अपने pre-built test already लिखे हुए हैं इस application के लिए. basically it's not an application, this is just me trying to play around with Swift. so yeah. सो आइदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप नल के लिए चेक कर सकते हो. बेसिकली यू कैन डू अ लॉट ऑफ नल चेकिंग्स एंड लॉट ऑफ इफ स्टेटमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बट मोस्टली होता क्या है कि जब भी आप मॉड्यूल लिखते हो तो आप बहुत सारा कोड चेंजेस करते हो. उस वक्त होता क्या है कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ब्रेक हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, डिपेंड्स. बट दिस गाय मेक श्योर कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग टेस्ट केस है या फिर आपका जो भी एग्जिस्टिंग यूज केस है या फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो मीट होता है, राइट? आपका बिजनेस लॉजिक जो भी आपने लिखा है, इट मेक श्योर दैट 1+1 गिव्स यू 2, इट डजंट गिव्स यू 3, राइट? सो कमिंग बैक टू दिस, सो यहां पे आप देख सकते हो कि ये मेरा टेस्ट क्लास है और यहां पे मैंने डेटा मैनेजर करके कुछ तो बनाया हुआ है. देर वुड बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये डेटा मैनेजर क्या है, यहाँ पे व्यू कंट्रोलर क्यों नहीं है, यहाँ पे टेक्निकली स्पीकिंग ये चीज़ होनी चाहिए लेकिन ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे मेरा डेटा मैनेजर करके कुछ तो है. सो व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इज मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है कि लोग यहाँ पे व्यू कंट्रोलर डाल देते हैं विच डज नॉट मेक एनी सेंस, और व्यू कंट्रोलर के जो पब्लिक और प्राइवेट मेथड्स हैं उसका इंस्टेंस बना के उसको फिर टेस्ट करता है. आई थिंक दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो मैंने क्या किया है, मैंने एक डेटा मैनेजर क्लास बनाया है यहाँ पे. मेरा डेटा मैनेजर इनहेरिट करता है मेरा डेटा मैनेजर प्रोटोकॉल से, एंड दिस इज द मेथड विच आई वांट टू एक्सपोज इन माय डेटा मैनेजर, एंड दैट्स व्हाई आई हैव अ डेटा मैनेजर प्रोटोकॉल विथ मी, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर मेंटेन कर रहा हूँ. और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने URL सेशन यूज करके एंड आई हैव जस्ट कॉल्ड द सर्विस एंड डिड माई जॉब ओवर हियर, रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग, राइट? सो मैं क्या करूंगा, मैं इस डेटा मैनेजर को टेस्ट करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो व्यू कंट्रोलर में भी मैंने डेटा मैनेजर का एक इंस्टेंस बना के गेट कंट्री कोड उसको मैंने अपना एक रिक्वेस्ट पास किया है. इफ यू गो इनसाइड दिस गाय, ऑप्स, जंप टू डेफिनेशन,
आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ मैं एक यूआरएल रिक्वेस्ट रिटर्न कर रहा हूँ, एंड दिस कंट्री कोड एंड पॉइंट इज नथिंग बट दिस. ओके, दैट बीइंग सेड, यहाँ पे मैं अपना डेटा मैनेजर टेस्ट कर रहा हूँ, एंड देन आई एम क्रिएटिंग अ रिजल्ट. और यहाँ पे मैं उसी तरीके से कॉल दे रहा हूँ जिस तरीके से मैंने अपने व्यू कंट्रोलर में कॉल दिया है. एंड देन आई एम चेकिंग समथिंग लाइक दिस, दीज आर एसर्ट्स, दिस मेक श्योर कि आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट कर रहे हो. सो मैं यहाँ पे निल के लिए चेक कर रहा हूँ कि ये भाई जो भी मैं डेटा गेट करने का कोशिश कर रहा हूँ वो पॉपुलेट होता है कि नहीं इस रिजल्ट सेट में. एंड देन आई हैव समथिंग लाइक दैट फॉर चेक इफ ऑल नेम्स आर नॉट निल. मेरा ये जो रिजल्ट सेट है इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. आई मीन लाइक यू कैन सी दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द दिस इज़ माई डेटा कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी मेरा जेसन रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें जो नेम है वो निल तो नहीं है, या फिर नेम एलिमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं नेम ही डिस्प्ले करूँगा मेरे यूआई में. एंड देर आर लाइक सर्टन अदर थिंग्स दैट आई एम चेकिंग एज वेल. चेक इफ द लिस्ट डज नॉट हैव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स एंड एवरी थिंग. दिस बेसिकली आई एम ट्राइंग टू यूज फिल्टर्स टू डू दिस, बट लेट्स सी, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दिस. There are a lot of test cases. I mean, ये जो आप यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे mostly हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक या दो if condition डाल के छोड़ देते हैं कि हाँ चलो यार वो तो देख लेंगे क्या है क्या नहीं. लेकिन ये जो मेरा test case है, मैं सिर्फ इस service call के लिए आप देख सकते हो कि मेरे बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा test cases लिखे हुए हैं. हो सकता है इसका ज़रूरत नहीं है, but I want to make sure that in future या फिर in present if there is testing my web service to make sure that this result array is been populated with the right amount of data, right? So right now ek kaam karte hain, let me do one thing, let me just go to my data manager class and let me create a method function, and I'll say add two numbers, right? And this will give me an int. Oops, sorry. Since this is a protocol, sorry. Yep, my bad. Now I'll say this is I'll say number one. Oops, bad name. Number one is int, and number is also int, and this gives me a result of int. Now why are you behaving like this? Yep. Sorry, .NET mein there is a small I, so I got confused. I'll copy this. Ab jaise hi main yahan pe aata hu, what I'll do is I will go ahead and implement this. You can see मैंने वो implement नहीं किया तो this started screaming that hey, you know, like there is a method in the protocol which you need to implement. So yeah, so I'll say return number one plus number two, right? Okay. तो अभी चलो test cases पे आ जाते हैं और टेस्ट केसेस पे लिखते हैं कि फंक्शन आल से टेस्ट एडिशन आल से टेस्ट एडिशन ओप्स सॉरी कैन नॉट राइट अ कोड टुडे टेस्ट टेस्ट एडिशन राइट. और यहाँ पे होगा मेरा मैनेजर डॉट ओके. अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही मेथड के लिए प्रॉम्प्ट हो रहा है, मेरे को दूसरा आ ही नहीं रहा है. तो चलो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे.
कुछ गड़बड़ की मैंने, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। Let me go ahead and do this. Autonomous. Dot. Add two numbers. Okay. Okay. Now I understood why the problem was. Because I have here where result equals to underscore manager dot add two numbers. This is 2, oh, this is 1, comma 1, right? And did I save everything? I did. वेल मोस्टली जब ऐसा होता है तो मैं बंद करते हैं। यू कैन सी दिस इज कमिंग फाइन। सो मे बी इट नीडेड अ बिल्ड। सो मैंने कंट्रोल भी प्रेस किया एंड देन ऑल ऑफ द सडन डेटा स्टार्ट कमिंग। सो right now it is screaming for this particular result, so I want to make sure that 1 plus 1 always results for 2 and not 3 or 5. So there is something called as xct assert boolean expression. So let's see, so I'll say result equals to 2. Let's see. So right now what it will do is like it will try to execute this test case, and you can see this test case has passed. Now let me go ahead and add 45. So 1 plus 1 should give me the result as 45. This is my test case, but my actual code, aap dekh sakte ho yahan pe, number 1, number 2, this gives me like this plus this. This will return me 2, but maine ye bola hai ki mera ye jo assert hai ye ट्रू, ये आई मीन ग्रीन तब होना चाहिए जब ये 45 रिटर्न करे। सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड सी। यूजुअली वी नो दैट दिस इज गोइंग टू फेल एंड एंड यू कैन सी दिस फेल्ड बिकॉज एट द रिजल्ट इट्स एक्सपेक्टिंग द कोड दैट यू हैव रोट। आई मीन लाइक दिस इज समथिंग व्हिच आई वाज एक्सप्लेनिंग फ्यू मिनट्स बिफोर। आपका यहाँ पे लॉजिक चेंज हो जाता है राइट व्हेन एवर यू राइट समथिंग। लेट्स से दिस मेथड इज़ योर अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक ओवर हियर, और आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हो और आप यहाँ पे कुछ एक डेटा एक्सपेक्ट करते हो, जैसे 1 + 1 2 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन देर आर लाइक मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन अ सिंगल फाइल और सिंगल प्रोजेक्ट, ये चीज़ें होना बहुत कॉमन है राइट। सो इसलिए वी आर राइटिंग टेस्ट केसेस एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट ये जो मेरा मेथड है ये हमेशा मुझे 2 ही रिटर्न करता है, मुझे 3 नहीं रिटर्न करता है। सो इफ़ आई इवन डू थिंग्स लाइक दिस कि मैं इसको प्ले कर रहा हूँ एंड दिस थिंग इज गोइंग टू फेल राइट, बट दिस विल पास इफ आई जस्ट गिव इट अ 2 एंड देन यू कैन सी दिस थिंग इज गेटिंग पास्ड राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे बहुत सारे टेस्ट केसेस, आप हर एक को प्ले कर सकते हो या फिर आप ये पूरा बैच प्ले कर सकते हो। यूजुअली दिस टेस्ट वुड फेल बिकॉज आई थिंक डिड आई राइट समथिंग एनीवेज। सो आप देख सकते हो कि मेरे सारे टेस्ट केसेस पास है। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट देर आर 10 टेस्ट केसेस विच हैज पास्ड। दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट कि मैंने एक बहुत ही कम टाइम में मेरे वेब सर्विस के लिए और मेरे ऐड टू नंबर्स के लिए मैंने मल्टीपल सिनारियोस चेक किए। एंड व्हाट आर दोस मल्टीपल सिनारियोस, यू कैन चेक ओवर हियर, लाइक चेक निल इफ ऑल नेम्स आर नॉट निल, आईसो कोड्स आर नॉट निल,
check if list does not have duplicate records, check the count, check records for duplicate entry one more time, check if records are of type result. यहाँ पे मैंने casting के लिए check किया, क्योंकि most of the time ऐसा होता है कि web service से आपको एक जैसे कि name और person, sorry name और कुछ और details आना होता है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप उसके लिए एक data contract बना लेते हो जो कि कुछ इस type से होता है, right? So मैंने उस test case में क्या check किया है कि let me go ahead and show it here. या सो मैंने इस टाइप से चेक किया है कि जो मेरा डेटा है वो मेरा रिजल्ट एरे ही है ना, या फिर कुछ और है, और अगर वो कुछ और है तो ये टेस्ट केस मेरा फेल हो जाएगा. सो इन दिस वे आई एम मेकिंग श्योर कि मेरा जो डेटा आ रहा है मेरे सर्वर से वो एक रिजल्ट टाइप का ही है, उसमें ये सारी चीज़ें ही है, ना कि कुछ और, राइट? सो that would be it for the test cases. I think what you could do is ye jo mera project hai ye mere mere git repository pe hai. I'll share the url with you guys and you can just have a look at it and you can just go ahead and play around with it. Aur agar koi questions, comments ya kuch rahega to just let me know and I will try to answer them all. Right, thank you.